तो गाइस मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे और बारिश आने लग गई है। हम लोग घास काटने आए थे तो बारिश भी आने लग गई है। कठिनाइयों से चल के जाना है आगे, क्यों पढ़ना है। तो अभी बहादुर लोग काट रहे हैं अपने घास, इतनी काट दी इन लोगों ने। और इतनी बुरी बुरी आमा भी आई है देखो घास काटने के। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तो कर लेते हैं नए दिन की शुरुआत नए दिन से। तो आज मैं जा रही हूँ अपने उधर के वहाँ जा रही हूँ जहाँ हम लोगों ने घास ली है, तो वहाँ ना लेबर लगाई है तो मुझे वहाँ जाना है। तो पहले मैं जाती हूँ पूर्णिमा के पास, पूर्णिमा को ना कहीं छाया में बाद ना होगा। और मैं लेके जा रही हूँ पानी, तो प्यास लगेगी तो पानी भी पीऊँगी। आज घास काटूँगी वहाँ, तो मैं भी जाती हूँ। लेबर लगाई हैं दो, उनको देखना भी है तो वहाँ जाना है। तो चलते हैं, आपको भी वहीं ले चलते हैं आज घास सुखाने, क्योंकि ना शौच का महीना लग गया है तो घास सुखानी भी है। और अभी पतिदेव और मैं जा रहे हैं वहाँ लेबरों को देखने, तो मैं भी काटूंगी घास वहीं। तो गैस देखो पतिदेव को भी मैंने कर दिया है रेडी, अब जाते हैं हम लोग उधर लेबर लगाई है वहाँ। तो दराती मेरी पकड़ लोगे, तो ये रही मेरी दराती, मैं भी काटूंगी आज घास। तो आप लोगों के साथ में ये वाला वीडियो शेयर करूंगी। तो अब मेरी ना इसमें लाल मिर्च पकने लग गई है, तो ये देखो ये लाल मिर्च भी इसमें पकना स्टार्ट हो गया क्योंकि इसका टाइम हो चुका है। तो शिमला मिर्च बहुत लगी थी इसमें, ये देखो। तो इस बार ना मुझे बाजार से शिमला मिर्च नहीं लानी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च हो रही है और बहुत ज़्यादा तीखी भी हो रही है। और भुट्टे तो इस बार खाए नहीं हम लोगों ने, सारे बंदर ने ही खाए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे खीरे। तो यहाँ पे भी देखो खीरा लगा हुआ है, ककड़ी, पहाड़ी वाला जो ककड़ी होता है, एक यहाँ पे लगा है और एक और था कहीं अंदर छुपा था, दिख नहीं रहा। तो पूर्णिमा की घास हो चुकी है ख़त्म, पूर्णिमा को ना हम लोग छाया में बांधेंगे उधर कहीं। हेलो पूर्णिमा। तो हम लोग ना पूर्णिमा को बांध के निकल चुके हैं अपने काम के लिए। तो यहाँ इतनी ज़्यादा घास हो रखी है ना, डर लग रहा मेरे को। तो बहादुर लोग तो नीचे से गए हैं, हम लोग जा रहे हैं बगीचे से। तो यहाँ से घास हो रही है बहुत ज़्यादा, तो पानी सबसे पहले चाहिए। आज धूप आई है तो प्यास लग जाएगी हमें लग रहा है। तो देखो घास कितनी हो रही है यहाँ। और ये बड़ुआ जाओ, जाल भी लगे हैं। तो जो है ना पहाड़ के लोगों को इतनी मेहनत करके जाना पड़ता है घास में, तो इसमें ना सांप वाँप भी होते हैं, कीड़े मकोड़े कुछ भी मिल सकते हैं हमें। तो इतनी कठिनाइयों से चल के जाना है आगे, क्यों पढ़ना है। पूरी घास है बगीचे में, तो देखिए अब पतिदेव कैसे बता रहे हैं यहाँ पे रास्ता। तो हमें जाना है उस वाले बगीचे में। अभी देखो पेड़ों में कुछ भी फल नहीं है, सारे खत्म हो गए फल वल, पूरे पुलम के पेड़ खाली, सेब के, नाशपाती के। यार यहाँ से जाऊँगी कैसे मैं, डर लग रहा मेरे को तो पैर डालने में भी। मैं अभी जूते पहन के आई हूँ। तो हम लोग ना ऐसी घास में निकल रहे हैं अभी। आजकल यहाँ घास नहीं काटी है ये ना, जब घास कटेगी तो ये वाला हमारे चाचा लोगों का है बगीचा, उन्हीं की घास भी है जो लोग काटेंगे। अब यहाँ से चूहों ने देखो कितनी मिट्टी यहाँ पे, अब रे बैठ के उतरना होगा मुझे। यहाँ देखो पूरी मिट्टी मिट्टी कर रखी है चूहों ने। यहाँ पे कैसे गए? तो यहाँ देखो घास, कूदना तो पड़ेगा ही। ये देखो ये है बेथुआ। तो अभी बहादुर लोग काट रहे हैं यहाँ पे घास, इतनी काट दी इन लोगों ने। ये बहादुर का नाम क्या है, नाम क्या है तेरा? बिना नाम का है ये, और इसका नाम लक्ष्मी है। तो ये लक्ष्मी बहुत तेज घास काटती है,
और इतनी बुरी बुरी अम्मा भी आई है देखो घास काटने के। घर आने के बाद अभी ना 1:30-2 बजने वाले हैं, तो मैंने अभी शॉर्टकट में बनाई है खिचड़ी। और बाहर ना इतनी बारिश आ गई यार, आज लेबर लगाई थी, आज घास भी, और अभी सब कपड़े भी बाहर ही थे तो मैंने ऐसे उठाए अंदर को फेंक दिए, तो बाहर बारिश आ गई, तो अभी मैंने शॉर्टकट वाली खिचड़ी बनाई है। तो खिचड़ी खाते हैं अभी हम लोग। पतिदेव भी गए थे अपने काम से कहीं, तो घर आ गए, मैं भी हूँ, बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, तो हम लोग खाते हैं खिचड़ी। तो ये है मेरी खिचड़ी, अभी इसकी ना गैस भी नहीं निकली है, तो यहाँ पे लेके आई हूँ, यहीं पे बैठी हूँ देखो मैं नीचे। और ये है मेरी चटनी, अचार, कद्दू की सब्जी और ये मूली। तो अब हम लोग ना खाना खा लेते हैं। खाने पे बारिश हो गई फिर से और बादल भी लगे हुए हैं अभी, तो बारिश, अब धूप भी आ गई, बारिश भी हो रही है, शावक भी हो रहा है आज, तो अब सोच कैसे इस बार हम संभालेंगे। तो ये पक चुकी है खिचड़ी, कुछ ऐसी हो रही है। गाइज मैं निकल चुकी हूँ फिर से अपनी ड्यूटी के लिए, तो यहाँ देखो पूरा गीला हो गया है, अब कैसे जाऊँ मैं इतनी घास में, सोच रही हूँ। तो ये हमारा नीचे से ऊपर का, ये है हमारा घर, मैं आई हूँ अभी नीचे वाले खेत में, तो यहाँ से ना थोड़ा सा घास कटी है, तो मैंने सोचा बगीचे से ही निकल जाती हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ गीला हो गया पूरा नीचे, ओस गए, ओस औ ओश हो गई यार, पूरी भीग जाऊंगी वहां जाने तक तुम्हें। तो गैज मैं अभी पहुंच चुकी हूँ खेत में घास काटने के लिए, तो अब चलते हैं नीचे। ये मेरी दराती, तो यहाँ पे ना हमने जितनी भी घास सुखाई थी सारी बारिश से गीली हो गई है, तो मैं फिर से काटती हूँ घास। तो दराती लेके गई हूँ, तो घास काट लेते हैं। तो आज ना असोच के महीने की, सोच के मैंने कि फर्स्ट वाली घास सुखाने गए हैं हम लोग आज, हमारी फर्स्ट स्टार्टिंग हो रही है, तो आज से हमने शुरुआत कर लिया घास सुखाना। तो देखते हैं कितने दिन में हमारा घास सूखता है। और नीचे काट रहे हैं बहादुर लोग, वो देखो उधर काट रहे हैं, तो वो दोनों लोग आए हैं और मैं भी काट रही हूँ, मस्त अपने मोबाइल में गीत सुनते हैं, अपने नेपाली गाने जो होते हैं, और घास भी काट रहे हैं, तो मैं भी काट लेती हूँ इनके साथ साथ ही घास। तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसे काटते हैं करके घास। तो ये कुछ हमने घास काटी थी सुबह के टाइम पे, तो अभी ना हमारी जो घास कटी हुई थी पूरी भीग गई है, ये बारिश हुई अभी बहुत तेज से, ये देखो ये पूरा पानी पानी दिख रहा है। तो जितनी भी हम लोगों ने काटी थी वो सारी भीग गई है, और इधर भी ये वाला खेत हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ऊपर वाला भी। तो अब हमें काटना है इस वाले खेत से जो आधा कट चुका है, और नीचे अभी काट रहे हैं, इतना पूरा करना है हमें। तो ये बहादुर है, ये उसकी बीबी है, तो ये दोनों काट रहे हैं घास, दिखाते हैं कैसे काटते हैं। तो ये लोग काट रहे हैं अभी घास, क्योंकि ना अभी मौसम एकदम अच्छा हो गया है, फिर से धूप आने लगी है, और अभी हम लोग यहाँ की घास आज पूरी काट रहे हैं जितनी भी कटेगी। और अभी तो बहुत काटना है, नीचे वाला खेत भी है, उधर भी खेत है, और अभी अभी धूप आ चुकी है, अभी बारिश हो रही थी, और कितने काले काले बादल आ चुके हैं। तो ये है नेपाली लड़की जो फोन चला रही है, अभी गाने भी गाती है, ये नेपाली लड़का है, दराती तेज कर रहा है ये।
तो ये है भादुर, आज काटता है पूरी घास। दराती को इतनी तेज करेगा ना, दो लोगों के बराबर काटेगा फिर ये। तो अभी का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है और काले काले बादल भी आ रहे हैं उधर से। तो अब हम आ गए यहाँ पे बैठने की जगह, बहुत अच्छी है पत्थर वाली, तो इसमें मैं बैठती थी जब भी यहाँ पे आती हूँ घास काटने। और अभी हम लोग इस वाले खेत को करते हैं कंप्लीट, उसके बाद जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम है, तो फिर बच्चे आएंगे स्कूल से, मैं घर भी जाऊँगी, तो अभी मैंने सोचा थोड़ी देर में और काट लेती हूँ। तो गाइस मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे और बारिश आने लग गई है। हम लोग घास काटने आए थे तो बारिश भी आने लग गई है, तो यहाँ पे बैठ चुकी हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है ना ऊपर से, ये देखो, तो पेड़ के नीचे बारिश नहीं आ रही। तो ये देखो भादुर ने अपने फोन संभाल लिए हैं पन्नी के अंदर, तो इसके फोन नहीं भीगेंगे। मैं तो अपने फोन को बचाने के लिए ना पेड़ के नीचे बैठी हूँ, तो मेरा फोन भी भीग जाएगा। और धूप भी आई है और बारिश भी हो रही है, अभी इतनी तेज तो नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, तो फिर भी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, बारिश हो रही है तो थोड़ी देर रेस्ट भी कर रही हूँ, इतनी हल्की हल्की हो रही है। दिखाते हैं ये, आज ना पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा मौसम, धूप भी आई है और बारिश भी हो रही है। ये को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो गाइज मैं कल अपना ब्लॉग ना कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं आज कर रही हूँ दूसरे दिन के मॉर्निंग से। तो अभी बज रखे हैं सुबह के 9:30। आज बहुत अच्छी धूप है, उधर देखो पूरे पहाड़ चमक रहे हैं और बादल भी हैं और उसके साथ साथ ही पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज अभी तो नहीं लग रहा कि बारिश आएगी करके, थोड़ी देर बाद ना फिर से बारिश आने का मौसम हो जा रहा है। कल भी इतनी तेज धूप थी और आज भी इतनी तेज धूप है, लगता है थोड़ी तो हल्के हल्के पर्वत भी चमक रहे हैं और नीचे नीचे बादल भी है अभी। गाइज मेरे अभी अंदर के झाड़ू पोछा किचन का काम ही हुआ है, और अभी मुझे ना बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं और पूर्णिमा को भी साथ साथ ही देखना है, क्योंकि पूर्णिमा अकेले रहती है नहीं, पूर्णिमा चिल्ला रही है, तो मैंने इसी वजह से यहीं पे बांध दिया उसको, पानी भी यहीं पे दे दी है। थोड़ी देर उसको बाहर ही रहने दूंगी, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज धूप हो रही है, वहाँ पे थोड़ा छाया भी है। और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।